हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम विशाल शर्मा फ्रॉम एचीवर्स इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचीवर्स इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ए एन डी। ओके गाइज, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके गाइज, तो आइए हम लोग समझते हैं ए एन डी का सही इस्तेमाल क्या है और कहाँ करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक का उच्चारण अ के रूप में कब करते हैं, आज ये जानेंगे। नेक्स्ट है, एन को एन बोला जाए या अन बोला जाए, ये भी प्रॉब्लम्स है, ये भी जानेंगे। नेक्स्ट है, द को कब द और कब दी बोला जाए, ये भी जानेंगे। तो आइए नंबर वन पर चला जाए। नंबर वन है ए का उच्चारण अ के रूप में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब किसी वाक्य में ए आए, जब किसी वाक्य में ए आए तो उस वाक्य में ए का उच्चारण अ की तरह करते हैं, न कि ए की तरह। फिर से सुनिए, जब किसी वाक्य में ए आए तो उस वाक्य में ए का उच्चारण अ की तरह करते हैं, न कि की तरह। जैसे एग्जांपल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का उच्चारण हम लोग किसके तरह करेंगे, अ की तरह। इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या है दोस्तों, एक सेंटेंस है। तो मैंने अभी बताया कि जब ए किसी सेंटेंस में आए तो उस सेंटेंस में ए का उच्चारण किसकी तरह करेंगे, अ की तरह। ओके गाइज, तो क्या होगा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। नेक्स्ट है, अन बोले या एन बोले। तो गाइज ध्यान में रखिएगा, आप जब भी बोलिएगा तो एन बोलिएगा, क्योंकि एन बेटर है। इसलिए बेटर है क्योंकि अन जो है ये क्या है, वीक फॉर्म्स है, और एन क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। तो मैं सलाह दूंगा आप लोगों को कि एन ही यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कब हम लोग द और कब दी बोले। तो ध्यान रखिएगा, द के बाद वाला शब्द, द के बाद वाला शब्द का उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, द के बाद वाला शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, तो आप उस समय द को द बोल सकते हैं। ओके, वही द का बाद वाला वर्ड का साउंड अगर वॉवेल साउंड हो तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी। जैसे एग्जांपल, द गर्ल। अब ये क्या है दोस्तों, गर्ल। तो ग क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर किस क्या पढ़ेंगे, इसको द पढ़ेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग द को दी का उच्चारण देंगे। इसलिए दी का उच्चारण देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है नेक्स्ट वर्ड, ये क्या है, वॉवेल साउंड है, ऑक्स। क्या बोलना हमको, ऑक्स। अ क्या है, वॉवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि द कहाँ प्रयोग करेंगे और दी कब प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, और कब अ का प्रयोग करना है और कब ए का प्रयोग करना है, कब एन का, कब अन का। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके गाइज, तो आर्टिकल्स का प्रकार दो है, एक है डेफिनिट आर्टिकल और सेकंड है इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके गाइज, कौन सा है, एक डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो दोस्तों अब हम लोग दोनों को समझेंगे। तो आइए समझते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। ओके गाइज, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमें द का प्रयोग पढ़ना है, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग पढ़ना है, जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए ऑब्लिक एन का प्रयोग पढ़ना है। फिर से सुनिए, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए ऑब्लिक एन का प्रयोग। अब समझते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। देखिए, इट जनरली पॉइंट आउट अ पार्टिकुलर, नॉट ए पार्टिकुलर, अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग
किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के साथ होता है, या यूँ कहिए जिसे हम पहले से जानते हों उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसका मतलब कि मैं उस किताब को क्या करता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। ओके गाइस, तो क्या होगा इंग्लिश ट्रांसलेट, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही वो किताब है जिसकी बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा था। तो क्या होगा, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो आइए अब समझते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके गाइज, इनडेफिनिट आर्टिकल, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब यू कहिए इनडेफिनिट का प्रयोग प्राय ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है जिसे हम पहले से न जानते हों, या यूँ कहिए उससे अपरिचित हों। ओके गाइज, जैसे एग्जाम्पल, एक लड़का रात में टहल रहा था, या यूँ कहिए कोई लड़का रात में टहल रहा था। तो गाइज देखिए, कौन सा लड़का है ये निश्चित नहीं है, ये क्या है, अपरिचित है। ओके गाइज, तो जब अपरिचित हो तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, इनडेफिनिट आर्टिकल, या यूँ कहिए ए एन का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, एक लड़का रात में टहल रहा था, तो क्या होगा दोस्तों, अ बॉय वॉज वॉकिंग एट नाइट। ओके गाइज, अ बॉय वॉज वॉकिंग एट नाइट, मतलब कि एक लड़का रात में टहल रहा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का उच्चारण होगा कोई या फिर एक। ओके, आप ये भी बोल सकते हैं कोई लड़का रात में टहल रहा था, या फिर एक लड़का रात में टहल रहा था। तो क्या होगा दोस्तों, अ बॉय वाज वॉकिंग एट नाइट। ओके, तो आइए नेक्स्ट। तो अब कहाँ पर ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करेंगे उसे जानने के पहले हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंस में कॉन्सोनेंट और वॉवेल को समझना पड़ेगा। ओके गाइज, तो देखिए इंग्लिश में वॉवेल की संख्या 5 है। इंग्लिश में वॉवेल की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन सी, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 21। मतलब कि इसके बावजूद जो भी बचे लेटर है वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, कॉन्सोनेंट। ओके, नेक्स्ट है हिंदी माध्यम से समझिए। हिंदी माध्यम से समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें ए ऑब्लिक ए एन का प्रयोग इंग्लिश माध्यम से नहीं करना, अगर आप करते भी हैं तो वो आगे जाकर गलत साबित हो जाता है। ओके गाइज, तो देखिए हिंदी माध्यम से वॉवेल की संख्या अ से लेकर अ तक है, अ से लेकर अ तक, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या क से ज्ञ तक। तो अब हम लोग समझेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, और ध्यान में रखिएगा ये क्या होता है, गलत साबित हो जाता है। आइए समझा जाए कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए पहले समझते हैं ए का प्रयोग, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है दोस्तों। तो यदि नेक्स्ट वाला शब्द, मतलब कि आगे वाला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण हो, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैंने लिखा बॉय, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे दोस्तों, लगाएंगे, इसलिए ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बी क्या है, ब, जब ब आया
तो ब क्या है दोस्तों, हिंदी उच्चारण का क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश से आप कभी भूल कर ही मत चलिएगा, किससे चलना है, हिंदी के उच्चारण से। अब मैंने बोला बॉय कैट, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ओके गाइज, तो देखिए क्यों ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क उच्चारण आया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी वर्ड हो, अगर उस वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड निकले, नॉट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड निकले, तब हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और वही क्या हो, वॉवेल साउंड हो, जैसे लिखा जाए कि इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड, तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, जब वॉवेल साउंड से निकले। जैसे मैंने बोला ऑक्स, क्या चीज दोस्तों, ऑक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑक्स होगा, क्योंकि ऑक्स किसका उच्चारण, ओ का। तो देखिए यहाँ पर अ से अ तक क्या है आपका, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो क्या लगेगा दोस्तों, एन लगेगा। ओके, अगर और देखिए, मैंने बोला ऑल मतलब उल्लू, तो यहाँ पर आउल, अ अ के उच्चारण हो रहा है, तो अ जब आ रहा तो क्या लगेगा दोस्तों, एन लगेगा। अब देखिए कैसे आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला गलत होता है, इसे समझिएगा। तो देखिए गाइज, अगर आप इसके आधार पर ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करते हैं तो देखिए कितना गलती होगा। जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी आपके माइंड में तो है कि वॉवेल है, यू क्या है, वॉवेल है, तो आप यहाँ पर एन का प्रयोग कीजिएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से गलत होगा। क्यों, क्योंकि आपने तो इसके आधार पर लगा दिया कि यू क्या है, वॉवेल है, और आपने यहाँ पर एन लगा दिया, यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, ए का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश माध्यम के अनुसार से अगर ए एन का प्रयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का, इसलिए ए का प्रयोग किया क्योंकि यू का यहाँ पर उच्चारण क्या आ रहा है, या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। जैसे देखिए एक और आवर, अब देखिए एच आप कहिएगा, एच इंग्लिश माध्यम से लेकर चलिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो एच कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लगाते हैं ए, इसके साथ ए का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तो इसके अनुसार चल रहे हैं इंग्लिश माध्यम के अनुसार कि इंग्लिश में एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ए लगाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भूल के भी गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, एन लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एच का उच्चारण क्या है, अ से आ रहा है, आवर, आवर, नॉट हावर नहीं होता, आवर। अब देखिए नेक्स्ट, अंकल, अब अंकल है तो यहाँ पे यू का उच्चारण क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी क्या लगा सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा कि कहाँ हमको ए और कहाँ एन का प्रयोग करना है, ये कहाँ से डिसाइड होगा, तो हिंदी वाले माध्यम से हमको पता करना पड़ेगा कि कौन कॉन्सोनेंट साउंड है और कौन वॉवेल साउंड है। जैसे एक और एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे ईयर, ओके गाइज, और एक ये ईयर, इस ईयर का प्रयोग हम लोग ऐसे करते हैं, ईयर, ईयर, तो यहाँ इसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, जबकि इसको दर्शाने के लिए इसका कैसे बोलते हैं हम लोग, ई यर ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ए एन का प्रयोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग द का प्रयोग समझेंगे। तो आइए गाइज, द के कुछ मुख्य नियमों को जाना जाए। देखिए नंबर वन पर है विद यूनिक पीपल या फिर कहिए ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि यूनिक लोगों या वस्तुओं के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, इटीसी। ओके, नेक्स्ट है विद एडजेक्टिव्स,
रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एडजेक्टिव के अनुसार उसके पूरे जाति या समूह का बोध हो जाए तो वो उसके पहले भी क्या करेंगे दोस्तों, द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, द पुअर मतलब कि गरीब लोग, मतलब गरीब के पूरे कम्युनिटी का बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, द पुअर। द रिच मतलब कि अमीर लोगों के कम्युनिटी का बोध करा रहा है, तो द रिच। फिर द यंग इट इज। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है विद फेमस बिल्डिंग म्यूजियम एंड मोनूमेंट्स, मतलब कि प्रसिद्ध भवनों, म्यूजियम संग्रहालय, या फिर किसके साथ, स्मारक के साथ हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ग्लोब इट इज। ओके गाइज, नेक्स्ट है विद ऑर्डिनल नंबर, मतलब क्रमवाचक संख्या के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट अंपायर, द फर्स्ट प्लेयर इट इज। ओके गाइज, नेक्स्ट है नंबर 5 है विद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द फैटेस्ट इट इज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, मतलब होल शब्द के पहले और ऑल शब्द के बाद किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, ऑल द बुक्स आर हेयर, देखिए ऑल के बाद द का प्रयोग हुआ है तो ये क्या हुआ दोस्तों, सही है। नेक्स्ट है आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, और देखिए होल के पहले द का प्रयोग हुआ है तो यही बात बोला है, बिफोर द वर्ड होल इसके पहले द, और बोला है आफ्टर द वर्ड ऑल इसके बाद द। ओके गाइज, नेक्स्ट है ओनली के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, परंतु इसके साथ एक शर्त है, वह शर्त यह है कि ओनली का अर्थ होना चाहिए इकलौता। ओके गाइज, तो इकलौता जब अर्थ होगा तो हम क्या करेंगे, ओनली के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द ओनली सन मतलब कि इकलौता पुत्र, द ओनली फ्रेंड इकलौता दोस्त। ओके गाइज, नेक्स्ट है नंबर 8 विद द फैमिलीज, फैमिलीज के भी साथ हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग। जैसे द शर्माज, द रानाज, द गुप्ताज इट इज। ओके गाइज, नेक्स्ट, नेक्स्ट है विद रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियंस के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द गंगा, द एटलांटिक इट इज। नेक्स्ट है दोस्तों विद कंट्रीज, द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, अगर देशों के नाम के साथ किंगडम, रिपब्लिक, स्टेट्स जैसे शब्द ज्वाइंट रहे या जुड़े रहें तो हम लोग क्या करेंगे, उस देश के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, द UK, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।